तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं स्टूडेंट ही थी। हिजाब मैं हमेशा से पहनना चाहती थी। इट्स जस्ट दैट हिजाब पहनने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। लोगों को लगता है इट्स जस्ट अ हेड स्काफ, बट आज के ज़माने में हिजाब पहनना, मॉडेस्टली ड्रेसअप होना इज़ अ स्ट्रगल इन इट्स सेल्फ एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू बी अ हिजाबी। तो फाइनली आई गैदर्ड दैट स्ट्रेंथ जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। आई वॉज अवॉर्डेड एज मिस फ्रेशर्स ऑफ माई इंजीनियरिंग कॉलेज एंड उसके जस्ट बाद आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। तो एवरी वन वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ, बिकॉज दे सॉ मी विदाउट हिजाब अर्लियर एंड आई सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेल देम कि हिजाब होता क्या है, मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब क्यों पहनती हैं। सो काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाते हैं व्हेन पीपल आस्क, बट आई सॉ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज अ मुस्लिम अगर मैं नहीं बताऊंगी और लोगों को तो फिर कौन बताएगा। सो दैट्स हाउ माय हिजाब जर्नी स्टार्टेड एंड साथ साथ में ही आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि मैं ये हिजाब कैसे पहनती हूँ एंड अगेन आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाए लोगों को सिखाने के लिए सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट इन देम सेल्स एंड आज तक मुझे ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं लड़कियों के जो मुझे बताती हैं कि बिकॉज ऑफ मी दे स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब, क्योंकि उन्होंने पहली ऐसी इमेज देखी जिसमें द गर्ल वॉज कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेल एजुकेटेड, शी वॉज टॉकिंग यूजफुल स्टफ एंड थोड़ा उसको कलरफुल और क्रिएटिव बना के इट वॉज़ लुकिंग ग्रेसफुल। तो इस तरीके से लोगों को इंस्पिरेशन मिली कि वो हिजाब खुद भी पहन पाएँ। सो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस कि मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू किया एंड वो अपने दीन के क्लोज आई, जो उनका कल्चर है उसको एम्ब्रेस किया उन्होंने। एंड इसी के थ्रू ही मैंने देखा मार्केट में देर वर नॉट इनफ ब्रांड्स हु वर सेलिंग हिजाब्स। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम अगो, 7-8 साल पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देर आर अ लॉट ऑफ पेजेस जो हिजाब सेल करते हैं, बट उस टाइम पे देर वॉज नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हिजाब्स या मॉडर्न ड्रेसेस अवेलेबल हों। ऑफलाइन होता था बट देन वो बहुत स्लिपरी स्कार्व्स होते थे, दुपट्टे होते थे जो फिसलते रहते थे। सो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया यूके से हिजाब्स को, वो बहुत महंगे आए एंड मैंने जब उन्हें देखा आई वॉज लाइक दे आर नॉट वर्थ द मनी, और ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते इंडिया में। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन हिजाब ब्रांड, इंडिया की फर्स्ट एवर हिजाब ब्रांड आई स्टार्टेड एंड आज तक इट्स हेल्पिंग सो मैनी मुस्लिम वेमेन टू एम्ब्रेस देयर रिलीजन इन अ ग्रेसफुल वे। आपने बोला कि आप इससे कई लोग इंस्पायर भी हुए हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट किए थे हिजाब पहनना, मतलब मैं ऐसे पॉजिटिव वे में पूछ रही हूँ, जब आप पहनना स्टार्ट किए थे हिजाब उस टाइम पे काफी मतलब क्रिटिसाइज भी होता था, तो आप उसे किस तरह मतलब लिए या फिर किस तरह से फेस किए, क्योंकि आप भी उस टाइम स्टूडेंट ही थे, कॉलेज में जाना है इंजीनियरिंग के लिए, उधर अलग अलग तरह के दोस्त रहते, जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि आप नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादा रहती थी, तो उसको फेस कैसे किए थे आप? सो आई लिव इन इंडिया जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स हमेशा बैच में एक या दो ही होते हैं, तो क्रिटिसिज्म तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला, बट लोगों के क्वेश्चंस होते थे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये है कि आपको फोर्स किया गया ये पहनने के लिए, जो कि मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो लोगों के मिसकंसेप्शंस मैं क्लियर करती थी कि इट्स नॉट फोर्स्ड अपॉन अस। जैसे किसी को फ्रीडम है कुछ भी पहनने की, तो ये भी फ्रीडम होनी चाहिए कि हम जो हिजाब या मॉडेस्टली ड्रेस अप करना चाहते हैं उसकी भी फ्रीडम हमें मिले। तो आई एम्ब्रेस दैट फ्रीडम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, तो फिर जो हम पहन रहे हैं तो दैट्स नॉट फोर्स्ड ऑन अस, ये हमारी चॉइस है। जैसे कि आपके वाइड रेंज में आपके ऑडियंस है, आपके फैंस है, तो आप लाइफस्टाइल पे वीडियो बनाते हैं, आप अपने रिलीजियस पे वीडियो बनाते हैं, तो आप उसे कैसे मतलब चूज करते हैं कि कब मुझे क्या वीडियो अपलोड करना है, और आप जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू किए उसके पीछे क्या मतलब है कि आपने आप लाइफस्टाइल या फिर फैशन से रिलेटेड ही वीडियो बना रहे हैं? सो मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने ब्यूटी वीडियोस बनाना शुरू करी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज पता थी जो मैं चाहती थी कि मैं सबके साथ शेयर करूं। बहुत सारी ऐसी टिप्स थी जैसे कि क्या कलर कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं कपड़ों की, कैसे हम मॉडेस्टली ड्रेसअप कर सकते हैं, तो यूज़फुल वीडियोज़ मैं बनाती थी सबके लिए। धीरे धीरे
इन रमज़ान आई स्टार्टेड मेकिंग मोटिवेशनल इस्लामिक कॉन्टेंट एंड वो लोगों को इतना पसंद आया एंड क्योंकि मैं भी बहुत सारे लेक्चर्स और पॉडकास्ट सुनती हूँ सो एक टाइम के बाद मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ ज़्यादा हो गया एंड आई डिसाइडेड कि जो मैं कंटेंट सुनना पसंद करती हूँ वही फिर मैं बनाऊँ भी और वही लोगों तक पहुँचाऊँ भी. अभी भी आई मेक ब्यूटी वीडियोस, बहुत यूज़फुल होम रेमेडीज़ आई कीप शेयरिंग एंड वो लोगों को पसंद आता है एंड आई गेस इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन. वी लव टू डू आर स्किन केयर, वी लव टू डू आर हेयर केयर. तो एज अ वुमन आई एम बीइंग वेरी ट्रू टू माई सेल्फ. जो चीज़ें मुझे पसंद है आई फील और लोगों को भी पसंद होंगी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, ऑल्दो आई कीप माई प्राइवेट लाइफ वेरी प्राइवेट, बट बहुत यूजफुल कॉन्टेंट मैं सबके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ. जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज है जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी को बढ़ावा देते हैं, तो आप मतलब अपने व्यूवर्स को किस प्रकार ऐसे मैसेज पहुँचाना चाहती है कि वो उसे ना फॉलो करके जो होम रेमेडी जैसे कि आप बताते हैं वो सब यूज करें? वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है कि आप अपने व्यूवर्स को वैसा बताएं कि वो भी फॉलो करें, उनको भी यूज़फुल लगे. मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि खुदा ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है. पहले ऐसा ज़माना था कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कोई और थे, आज से 200 साल पहले 300 साल पहले ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कुछ और थे और अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं. तो अगर हम एक ही मोल्ड में सब फिट होना चाहेंगे तो सब एक दूसरे की कॉपी हो जाएंगे. हमारी यूनिकनेस इसी में है कि हम सब अलग हैं और जैसे हमें खुदा ने बनाया है हम सब खूबसूरत हैं. एंड सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं होती, आपका जो सोल है, आपकी जो रूह है और आप कैसे इंसान हैं ये ज़्यादा मैटर करता है. क्योंकि विजुअली तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको लोग देखेंगे, पर एज अ पर्सन आप कैसे हैं जब वो लोग डील करेंगे आपसे, तब उनको ये डिसाइड वो कर पाएंगे कि एक्चुअल में आप अट्रैक्टिव हैं एज अ पर्सन या नहीं. तो जो आपकी पर्सनालिटी है उस पर ज़्यादा काम करें मोर देन ऑल दीज थिंग्स. एंड ऑफकोर्स होम रेमेडीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज यू डोंट हैव टू स्प्लर्ज मनी, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड हर कुछ दिन बाद देर आर न्यू लॉन्चेज एंड ऑल. हर किसी का इतना बजट नहीं होता कि हर बार बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते रहें, इसलिए मैं होम रेमेडीज़ ज़्यादा शेयर करती हूँ ताकि हर कोई अपनी स्किन की, अपने हेयर की, अपनी बॉडी की देखभाल कर पाए. जैसे कि आपका मेन मीडियम है यूट्यूब और फिर इंस्टाग्राम, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो आपके ही जैसे वीडियोज बनाते हैं सेम वीडियोज, तो वो आप उसे ऐसा कॉम्पिटिटर लेती हैं या फिर ऐसा कोई सीख लर्नर लेती है कि मुझे भी कुछ नया मिलेगा? मेरे लिए मेरा कॉम्पिटिशन कोई नहीं है क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं अपने लिए, अपने सुकून के लिए करती हूँ. क्योंकि अगर मेरे थ्रू किसी की भी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आता है, अगर मेरे थ्रू कोई खुदा के करीब होता है, अगर मेरे थ्रू किसी का एक बहुत बुरा मेंटल हेल्थ फेज चल रहा है, दे गोइंग थ्रू डिप्रेशन और एन्जाइटी, अगर मेरी एक छोटी सी वीडियो से वो इंस्पायर हो जाते हैं टू जस्ट लिव फॉर वन मोर डे, दैट्स माई पर्पस इन लाइफ. एंड इसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे किसी के भी साथ कॉम्पिटिशन में होने की ज़रूरत है. मेरा ये पैशन है, इसको जस्ट मैं रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ. ऑफलाइन इफ़ यू सी मी आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन एंड उसी को मैं कोशिश करती हूँ कि दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज एज अ मुस्लिम वुमन मैं क्रिएट करूँ ताकि जो लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं वो शैटर हो जाएं. बिकॉज एज अ मुस्लिम हमको ही नैरेटिव एक सेट करना होगा क्योंकि बाकी लोग अगर करते हैं दैट्स नॉट नेसेसरिली ट्रू. तो आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉजिटिव दैट आई कैन थ्रू माय जर्नी. जैसे कि आप एज अ मुस्लिम हो तो आप अपना रूल फॉलो करें जो आपके मतलब कम्युनिटी में है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ना फॉलो करते हुए कुछ अलग ही ट्रैक पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने रिलीजियस को साथ में ही रख के जो करना है उन्हें करें? ऐसे बहुत सारे लोग हैं सो अगैन एज अ मुस्लिम हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम किसी और को जज ना करें. ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं आपसे बेहतर हूँ या आप मुझसे बेहतर हैं. हम सब एक साथ हैं और हम सबको एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है. तो सी एक इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस से गो थ्रू करता है. कभी कभार दे फील नियर टू द रिलीजन, कभी कभार वो इतना क्लोज फील नहीं करते.
तो लाइफ में आई गेस स्ट्रगल्स जो हैं वो इसीलिए आती हैं सो दैट दे ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड. तो उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करें. एंड जो भी आपकी लाइफ जर्नी चल रही है, इस्लाम में एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि आप चाहे कैसे भी हों, इफ़ यू ट्रूली रिपेंट एंड अगर आप सीधी राह पर आना चाहें और अच्छे काम करना चाहें, कोई भी बुरे गुनाह आप छोड़ दें, अल्लाह एक्सेप्ट्स दैट ओपनली. तो एक बहुत पॉजिटिव रिलीजन है इस्लाम एंड एवरीवन इज़ वेलकम इन आर रिलीजन. जैसे कि देखा जा रहा है आजकल जो सोशल इन्फ्लुएंसर है या फिर कहीं भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई आपको प्रोजेक्ट आए तो आप उसमें आना चाहेंगी या नहीं? तो मुझे काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स और रियलिटी शोज़ के ऑफ़र्स आए हैं. आई हैव रिजेक्टेड देम ऑल. इट्स जस्ट दैट क्योंकि जो वो कॉन्सेप्ट होता है, आई डोंट फील कम्फर्टेबल इन इट. बट अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा बनता है जिससे कुछ पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो पाए दुनिया में, तो आई वुड लाइक टू डू दैट. ऑल दो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है. नेवर से नो टू एनीथिंग, बट ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है. अगर मेरा फोकस होता फेम लेने का और मैसिव व्यूअरशिप हासिल करने का, तो अभी तक मुझे बहुत बड़े बड़े रियलिटी शोज़ ऑफर हुए हैं, मैंने उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मेरा ये गोल ही नहीं है. तो अगर आपकी मेन गोल की बात करें तो आपका ऑलरेडी तो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो ही चुका है, और भी आगे आपका क्या गोल है, क्या आपको करना है? सो ज़िंदगी बहुत लंबी है अभी, तो देखते हैं ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है किस्मत में. क्योंकि जो अब हुआ है मैंने वो कभी प्लान नहीं किया था. आई जस्ट स्टेड ट्रू टू माई सेल्फ, और जैसे जैसे मैं इंसान एक इवॉल्व होती गई, नॉलेज हासिल करती गई, चेंज होती गई और बेहतर होती गई, वही मैंने और लोगों को भी कन्वे किया. सो मेरी जो फॉलोइंग है, दे आर ऑफ द सेम एज ग्रुप एज मी, तो जैसे जैसे वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी मेरे साथ इवॉल्व हुए हैं, अभी तो सिर्फ यही इरादा है. जैसे कि आपकी लार्ज फैन फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर है, तो अपने ऑडियंस को आप कैसे मेंटेन करती है? मतलब खुद में भी कॉन्फिडेंट लाना रहता है, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन चलते हैं, लेकिन हर वीक आपका वीडियोस आता रहता है, तो वो आप कैसे मेंटेन करती है? स्क्रिप्ट लिखना, वीडियोस बनाना और खुद में कॉन्फिडेंट लाना, ऐसा बोलना कि लोग उसे समझे और लोग उसे फॉलो करें. कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, प्लस कोई भी कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. दिखने में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मिनट की वीडियो थी, पर उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है उसका अंदाज़ा लोगों को नहीं हो पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट टू एडिट माई वीडियोज़ मुझे 6 से 8 घंटे लगते हैं, एंड कोई भी स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं कई घंटों की लेक्चर्स और पॉडकास्ट सुनती हूँ, फिर जाके मैं स्क्रिप्ट्स बनाती हूँ, फिर मैं उसे फिल्म करती हूँ, फिर मैं उसे एडिट करती हूँ, फिर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डालती हूँ. तो हाँ, कभी कभार बहुत टायरिंग हो जाता है, बट आई गेस जो मेरा पर्पस है वो व्यूज़ लेना या फिर फेम हासिल करना नहीं है, वो एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचाना है और लोगों को खुदा के करीब करने का मैसेज है. जो मेरा पर्पस है वो मुझसे बड़ा है, इसलिए आई गेस इट कीप्स मी ड्राइविंग टू जस्ट स्टे देयर एंड कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सीरीज़ कर रही हूँ 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, जिसमें एक 1 मिनट बाइट साइज शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, जिसमें मैं हर नेम ऑफ अल्लाह को एक्सप्लेन करती हूँ. तो अभी आई हैव रीच्ड पार्ट 18 एंड 19, अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. तो जब भी मैं थक जाती हूँ कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, देन आई थिंक एटलीस्ट 100 पार्ट्स तो कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उसके बाद आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू. जैसे कि आप दिखते हैं कि अल्लाह के बहुत करीब है, ऐसा कब मोमेंट आता है कभी ना कभी जब तुम जाते हो, पहले से आप अल्लाह के करीब या भगवान के करीब नहीं रहते, तो वो मोमेंट आपके लिए कब था कि जब आप और करीब हो गए अल्लाह से और आप ये सब चीज़ें फॉलो करने लगे? सो बचपन से ही या टीनेज से ही आई वांटेड अ बेस्ट फ्रेंड, कि कोई ऐसा हो जो हर वक्त मुझे सुने, हर वक्त मुझे सपोर्ट करे. एंड ऑल माई लाइफ आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट बेस्ट फ्रेंड, जो मुझे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दोस्त हैं, बट देन वो एक कमी हर बार रह जाती थी. तो वो चीज़ मुझे मिली व्हेन आई कनेक्टेड टू माय गॉड. सो आई ऑलवेज से दैट अल्लाह इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. तो
काफ़ी यंग एज से ही आई वॉज कनेक्टेड. आई यूज़ टू जैसे रात को लेटे तो पूरे दिन के बारे में बताया, या फिर कुछ मुश्किल हो रही है तो अल्लाह से दुआ मांगी. एंड उसने उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है. तो ऐसा कुछ लाइफ में एक मोमेंट नहीं हुआ था जो एकदम से मैं बदल गई. अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ आई वॉज वेरी क्लोज टू गॉड. एंड ऑफकोर्स जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं बॉन्ड को विद द गॉड. क्योंकि उस टाइम पे जब आपको सब सपोर्ट नहीं करते या टफ टाइम होता है आपकी लाइफ में, तब आपको खुदा के अलावा और कोई नहीं मिलेगा. अभी लास्ट क्वेश्चन, कि आप तो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन आपको कौन इंस्पायर करता है और आपके लिए कौन इंस्पिरेशन है? सो मुझे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको मैं सुनती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो इतना यूज़फुल इंफॉर्मेशन लोगों तक लेकर आते हैं. एंड ऑफ कोर्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्पायर्स मी, क्योंकि इतनी पॉजिटिव इमेज, इतनी बड़ी पर्सनालिटी वो रहे हैं. एंड हम हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोशिश करते हैं. सो देर आर मैनी स्कॉलर्स दैट आई लर्न फ्रॉम. जो लोग नॉलेज हासिल रखते हैं, जो लोग नॉलेज रखते हैं, मुझे वो लोग इंस्पायर करते हैं. तो लास्ट मैसेज आपके फैंस को, आपके ऑडियंस को क्या लेना चाहेंगे? तो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के रहें, लोगों को क्रिटिसाइज करने पे फोकस ना करें, लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश किया करें. क्योंकि हर किसी में कमी निकालना बहुत आसान है, पर किसी में कुछ अच्छा ढूंढना और उसके अच्छाई पे फोकस करना काफ़ी मुश्किल है. तो कुछ अलग करें, लोगों में अच्छा ढूंढें. एंड जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट होंगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे सुकून पाएंगे. एंड इनफैक्ट इन योर ओन पर्सनैलिटी आपकी खुद की रूह भी सुकून में रहेगी. तो बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन लाइफ. कभी भी अपनी ज़ात से किसी को हार्म ना करें, किसी का नुकसान ना करें, हमेशा किसी ना किसी की भलाई करने की कोशिश करें. तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए. थैंक यू सो मच.